बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन और देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुसलसल सफ़र में हूँ लेकिन साथ ही साथ इस केस के हवाले से बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरीज मेरे पास पहुँच रही है और मैं बड़ी शर्मिंदा भी हूँ कि मैं आपसे उस तरह से नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रही, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जो भी इशू होता है उसके ऊपर जो भी अपडेट्स होती हैं वो मैं आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाऊँ। इस वक्त मेरी टीम का रब्ता हुआ है, हमें मैसेजेस मौसूल हुए, उसके बाद हमने उनसे बाकायदा व्हाट्सएप पर रब्ता किया, क्योंकि सिर्फ इंस्टा के ऊपर अगर आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर लें या आप फेसबुक मैसेंजर शेयर कर लें तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं होती है। इस वक्त मेरे पास जो स्टोरी आई है वो वाकई रोंगटे खड़ी कर देने वाली है, और वो इस तरह की स्टोरी है जो आपको मालूम होगा कि ये नेटवर्क जो है बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर कितना ग्राउंडेड था, किस तरह से काम कर रहा था और किस तरह से लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा था। हैविंग सेड दैट, वंस अगेन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे से वहां पर काम होता है, बच्चे बच्चियां वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बड़े जबरदस्त ग्रेड्स लेते हैं और सब लोग जो है एक जैसे नहीं होते, जैसा पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर ये काम आपको अभी पता लगा कि इतना एक गंदा और घिनौना चेहरा जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, एक ऐसा नेटवर्क जो बेनकाब हुआ है, तो इस तरह के नेटवर्क्स जो है और इदारों में भी है, आपके मुख्तलिफ जो जगहें होती हैं, आप लोग जहां पर जॉब्स करते हैं या कुछ भी, तो वहां पर भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। जहां पर भी गंदे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं और आप नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सिटीज के अंदर हुआ है तो कहीं और नहीं हो रहा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने यूथ को एजुकेट करें। मेरा मकसद इन स्टोरीज को आपके साथ शेयर करने का यह है कि आप लोग अपने यूथ को, अपने बच्चों को एजुकेट करें, बच्चे जो है वो मेरी स्टोरीज को सुने और इनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा लड़कियां निशाना बनी है, और लड़कियां जो निशाना बनी है वो इस वजह से बनी है क्योंकि बच्चियां होती हैं अभी नई नई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आई होती हैं, अभी उनको पता नहीं होता कि कितने घिनौने चेहरे जो है दुनिया में मौजूद है। लोग, ये बंदे जो है ये बड़े ही शातिर हैं, ये बड़े पक्के पखंड जिन्हें कहते हैं वो होते हैं, और ये जिस तरह से एजाज शाह और ये बाकी लोग जो ये नेक्सस का पूरा हिस्सा थे, ये लोग बड़े खौफनाक किस्म के लोग थे, गंदे लोग थे, घाग और शातिर लोग थे। इनको पता था कि बच्चियां छोटी छोटी बातों से डर जाएंगी, खौफजदा हो जाएंगी, और खौफजदा होने के बाद वो हमारे चुंगल में फंस जाएंगे, और ऐसा ही हुआ, वो कामयाब हुए। उसकी वजह यह थी कि लड़कियों को ना करना ना आया, लड़कियों को अपने आप को बचाना नहीं आया। अगर उनसे कोई गलती हो गई थी, उस गलती को दूसरों ने किस तरह से एक्सप्लॉइट किया और उनके हाथों किस तरह से खिलौना बन गई, उनको नहीं पता था कि इस चीज से हमने निकलना कैसे। एक लड़की ने मेरे साथ स्टोरी शेयर की है कि किस तरह से वो इस गंदे नेटवर्क में फंसने ही वाली थी, इस दलदल से कैसे उसके कजन ने उसको निकाला। ये बड़ी एक्सक्लूसिव गुफ्तगु है जो मेरी उसके साथ वन ऑन वन हुई, और इस गुफ्तगु के अंदर कुछ चीजें जो है वो सामने आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप जो है आप अपना ख्याल रख सकें, आप को मालूम हो कि आपने किस तरह से अगर कभी इस तरह के मसले में फंस जाना है तो कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि ये लोग जो है, जैसा कि आपको मालूम ही है कि इन्होंने गार्ड्स के जिम्मे ये सारी चीज लगाई हुई थी, अपने जो लोग हैं उनको पूरी यूनिवर्सिटी में फैलाया हुआ था कि जहां पर लड़का लड़की साथ बैठे देखें उनको नोटिस में रखें, जहां पर वो थोड़ी सी कोई हरकत करते आपको नजर आए उनकी वीडियोज बना लें, उसके बाद वो वीडियोज हमारे पास ले आए, फिर उन लड़कियों को ऑफिस में बुलाया जाता था, फिर उनको वीडियोस दिखाई जाती थी, फिर उनको डराया जाता था, फिर उनको कहा जाता था तुम्हारे माँ बाप को बता देंगे, वो डर और खौफ में आकर उनके हाथों खिलौना बनती थी, और उसके बाद उनको मालूम नहीं होता था कि उनकी वीडियोस भी बन रही है। एक तरीका कार तो ये था, और दूसरा तरीका कार ये था कि नंबरों के लिए लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, टीचर्स के हाथों एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसके बाद उनकी भी वीडियोस बना ली जाती थी और फिर उनको मुसलसल एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के हाथ में उनको इस्तेमाल कराया जाता था। फिर अगला काम जो वो करते थे वो ये थे कि बहुत सी लड़कियां जो यूनिवर्सिटी के फीस वगैरह पे नहीं कर पाती थी उनको भी इन्होंने ट्रैप किया, और उसके अलावा कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो खुद जाती तौर पर इस धंधे के अंदर पहले तो मुलविस हुई लेकिन उसके बाद वो बीच में दलदल में फंसती ही चली गई। तो इस तरह के मुख्तलिफ काम होते रहे। तो इसकी एक तो मैं ये कहूंगी कि अपने किरदार को मजबूत रखिए, आपको ना करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कैमरास का दौर है, ये वो दौर है कि आपका एक एक लम्हा कैप्चर हो रहा है, आप कहां कब कैसे बैठे हैं, किस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी वीडियोस आपकी तस्वीर जो है वो किस वक्त बन रही होंगी आप सोच भी नहीं सकते। अब होता क्या है, इस लड़की ने मेरे साथ क्या स्टोरी शेयर की है, मैं डायरेक्ट स्टोरी की तरफ आ जाऊंगी और एक और लड़की का वाकया भी आपको मुख्तसर बताती हूँ। पहले कि जिस लड़की के साथ वहां यूनिवर्सिटी में ज्यादती हुई उससे वाइस चांसलर को जाकर जब इत्तला दी, इस बारे में बताया, तो वाइस चांसलर ने कहा लिख कर दो, वो घबरा गई, फिर अपने वालिदैन से बात की, वालिदैन ने आके जब वाइस चांसलर से बात की
तो 2-3 बार उनके आने के बाद उन्होंने कहा लिख कर दे और उसके बाद लड़की को सबूत खुद पेश करना होगा, फिर माँ बाप अपनी इज्जत के डर से पीछे हट गए। तो ये वाइस चांसलर साहब का रोल था, ये जो बड़े अभी इस वक्त सती सवित्री और पाक बनते फिर रहे, सबसे बड़े कसूरवार ये खुद है। जब इन्होंने एक बुराई और गंध अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर होते देखा, उसको रोका नहीं, और किस तरह से इस पूरे किरदार के अंदर डूबे हुए हैं। और फिर चाहे वो बड़े आदमी का बेटा है, चाहे छोटे आदमी का बेटा है, वो जिस तरह से लड़कियों को इस्तेमाल करता रहा, तो उसके बारे में अब आपको मैं एक बात बताऊं, बड़ी खौफनाक ये रिपोर्ट है। वो ये है कि वो जो मोबाइल फॉरेंसिक के लिए गए थे और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि अभी उनमें से बहुत कुछ निकलेगा, और जब निकलेगा तो फिर बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे, तो हैरत अंगेज तौर पर मोबाइल में से कुछ भी नहीं निकला है। मोबाइल में से ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका फॉरेंसिक किया जाए। ये तो हमारा निजाम है, ये हमारा, क्योंकि इतने बड़े दावे के साथ तारिक मुशी चीमा साहब ने कहा था कि एक भी सबूत मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मुझे तो लगता है कि शायद अब वही चीजें दुरुस्त होती साबित हो रही है, या हो सकता है मैं गलत गुमान कर रही हूँ, लेकिन मामला यह है कि ऐसा क्यों है। वो मोबाइल जिनके ऊपर ये कहा गया था कि इनके अंदर इतनी वीडियोस पाई गई थी, 5,500 वीडियोस पे करते करते वो 55 वीडियोस पे आ गई, तो चले 2 वीडियोस ही सही, वो वीडियोस कहाँ गई हैं वो वीडियोस, और खास तौर पे कुछ लोगों के जो नाम आ रहे हैं। ये कहा गया है कि एक शख्स की वजह से सबको ही शायद आम माफी मिल जाएगी, और वो शख्स जिसका तारिक मुशी चीमा के साथ रिलेशन बताया जा रहा है एहसान, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने बहुत से इंकशाफात किए हैं, और उसके ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो करूंगी, वो आप लोग सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जरा इस बच्ची की कहानी की तरफ आती हूँ। इस बच्ची ने मेरे साथ पूरी स्टोरी शेयर की है। उसने बताया कि किस तरह से भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए कहाँ पर एक दफा बैठी हुई थी, ये किसी के साथ थी, और इसकी जो है वीडियो बनाई गई। ये वीडियो जो है, ये वीडियो जाकर जाहिर सी बात है जिस तरह से इन लोगों का काम था, ये जांच शाखा के पास पहुंचाई गई। उसने इसको दफ्तर में बुलाया, और ये लड़की जो है वहां पर जब गई है तो उसके बाद फिर इसको, अच्छा ये मुझे एग्जैक्टली अभी जहन में नहीं आ रहा, माजद के साथ, एजाज शाली किसी और शख्स का इसने नाम लिया था, उसके पास ये गई है, और उसके बाद उसने इसको ये वीडियो दिखाई, और ये बहुत डर गई, बहुत डर गई। अब जाहिर सी बात है कुछ ऐसी वीडियो थी जो कुछ ऐसे लम्हात मैं कहूँगी कि जो कि लड़कियों को ख्याल करना चाहिए, जब अपने घरों से निकलती है, अपने माँ बाप की इज्जत उनके कंधों पर होती है, और अपने वजूद का भी ख्याल रखना होता है। कोई भी चीज़ ऐसी जो उनके लिए बाद में बायसे शर्मिंदगी हो, वो ऐसा काम जो आप छुप कर करते हैं तो अल्लाह तो देखता है, और ऐसा काम जिसके सामने आने पर आप शर्मिंदा हो, तो ऐसे काम से बचना चाहिए। चले अल्लाह के डर से ना सही, लेकिन अब तो कैमरों का दौर है, इज्तनाब करें इस चीज़ से, और अपने आप को बचाइए, अपने किरदार को मजबूत कीजिए, और अपने आप को इस तरह से रखिए कि कोई आपको इस तरह से कह ना सके कल, कोई आपको एक्सप्लॉइट ना कर सके। अब ये लड़की कहती है कि जब मुझे बुलाया गया दफ्तर में, मुझे वीडियोज दिखाई गई, तो कहती है पहले ही दिन इन लोगों ने मुझसे नहीं कहा कि ऐसा करें या वैसा करें, कहती है इन्होंने मुझे बुलाया, वीडियो दिखाई, पहले तो गुस्सा दिखाया, मैं शर्मिंदा हुई, मैंने माफी मांगी, और मैंने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, मुझे लगा कि मुझे रेस्टिकेट कर देंगे, मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। कहती ये मेरा पहला एक रिएक्शन था, तो मैंने माफी मांगना शुरू कर दी, और मैंने कहा कि आइंदा ऐसा से नहीं होगा, और मैं हैरान थी। अच्छा वो कहती, वो लड़की कहती मैं हैरान थी कि उस लड़के को नहीं बुलाया गया, मुझे अकेले बुलाया गया। उसके बाद कहती कि मैंने जाके अपने जो भी क्लास फेलो था, मैंने उसके साथ बात की, और मैंने उसको कहा किस तरह से ये सारा मामला हुआ है, तो वो कहते हैं कि अच्छा हैरत की बात है कि मुझे अभी तक नहीं बुलाया गया। अच्छा उसके बाद ये लड़की कहती है अगले दिन जब मैं कॉलेज आई तो मैं डरते डरते आई कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पहले मैंने सोचा मैं छुट्टी कर लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं चली जाती हूँ, देखती हूँ कि आज होता क्या है। कहती कि जब मैं कॉलेज गई तो मुझे दोबारा गालबन इसकी कोई क्लास हो रही थी, उसी के दौरान ये कहती कि मुझे बुलाया गया। कहती मैं दफ्तर में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए, मैं बैठ गई, मैं बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कुछ आपने किया है ये हम आपके वालिदैन को भेजेंगे। कहती मैं बहुत रोई, मैंने उनसे माफी मांगी, मैंने कहा खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, तो उन्होंने कहा और इस पर आपको हम यूनिवर्सिटी से निकाल भी देंगे। तो कहती कि मतलब मैं कहती मैं दिल दिल में ये भी सोच रही थी कि इसे मुझे ही बुलाकर क्यों कहा जा रहा है, साथ में तो वो लड़का भी था, उसको क्यों नहीं कहा जा रहा कि तुम्हें भी निकाल देंगे या कुछ और। लेकिन ये कहती कि मैं अपने आप को कंपोज करके वहां बैठी रही, मैंने उनसे माजरत की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चले मैं बात करके देखता हूँ कि इस चीज को हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद वो कहती है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप यूं कीजिएगा कि यूनिवर्सिटी के बाद आप आ जाइएगा, हम आपसे बात करते हैं। वो कहती है मैं बड़ा सारा दिन घबराई रही, यूनिवर्सिटी ऑफ हुई, उसके बाद वो कहती है कि मैं उनके ऑफिस में चली गई, वहां पर ही वो बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप यूं कीजिए कि चूंकि अब मामला जो है आपका बड़ा सीरियस हो गया, और ये जो आपकी वीडियोस है ये सिर्फ हमारे पास नहीं मौजूद है, ये आपकी वीडियोस जो है ये जिस गार्ड ने बनाई थी उसने साहब को, बड़े साहब को, यानी कि जो VC साहब है उनको दिखा दिया है, और अब बात इतनी सादी नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी उनसे बात करा दूँ। आप यूं करना कि इस छुट्टी के बाद, अभी थोड़ी देर के बाद
एक काली गाड़ी है करोला बाइक खड़ी होगी, आप जाके उसमें उनसे बात कर लें क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तो दीवारों के भी कान होते हैं। कहती मैं बड़ा घबरा गई, मुझे समझ नहीं आई। कहती है मैं बाहर जाके बैठ गई बेंच पर और मैं सोचती रही कि कहती मेरे दिमाग में आ रहा था कि पहले तो सवाल ये थे कि मुझे अकेले क्यों बुलाया गया, फिर मेरे सवाल ये थे कि मुझे वो काली गाड़ी में जाने को क्यों कहा जा रहा है। कहती है मैं घबरा गई थी, मुझे लग रहा था कि मामला इतना सादा नहीं है। कहती है कि इसी दौरान जो है वो एक काली गाड़ी जो है बाहर आई और मुझे वो जो गार्ड था उसने इशारा किया कि आप चली जाएं। कहती मैंने देखा कि उस गाड़ी के शीशे जो है वो काले थे और काले शीशों के पीछे कोई पता नहीं लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कौन बैठा है। कहती मैं घबरा गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती रही, मैं गेट तक पहुंची और गेट से मैं बाहर निकली। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ना चाहती थी लेकिन मेरे कदम जो है बहुत भारी हुए हुए थे। कहती है कि मैं नहीं चल पा रही थी, मैं नहीं जा पा रही थी। तो कहती है कि मैं अभी चलती चलती गाड़ी तक ही पहुंची तो मेरा कजन जो है, कहती कि उसका कजन, बेसिकली इसका वो कजन था जिसमें उसने बताया कि मेरी उसके साथ मंगनी जो है वो तय थी बचपन से ही, एक जिस फैमिलीज में होता है कि रिश्ता तय है। कहती लेकिन मैं उसे कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। तो वो कहती कि मुझे उस लड़के से भी बड़ा एक दुख हुआ था कि जिसका मेरे साथ ये पूरा स्कैंडल जो है मंजर आम पर आया, उसने मुझे कोई सपोर्ट नहीं दी बल्कि वो मुझसे थोड़ा अलग थलग सा हो गया था एक दिन से। मैंने जब उसको दोबारा फोन करने की कोशिश की तो उसने मेरा फोन बिजी पे लगा दिया। तो अब वो कहती कि जब मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती गाड़ी के करीब पहुंची और उससे पहले कि मैं गाड़ी का दरवाजा खोलती, मेरा कजन जो है उसकी गाड़ी वहां से घुसी और उसने देखा मुझे उस गाड़ी की तरफ जाते हुए। उसने गाड़ी रुकी और उसने मुझे हॉर्न दिया और मैंने एकदम पलट के उसको देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इस गाड़ी में बैठना है या मुझे अपने कजन की तरफ जाना है। उसने जब दोबारा दो तीन बार मुझे हॉर्न दिया तो कहती है कि मैं वापस पलटी और मैं जाकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद वो कहती है कि उसने गाड़ी चलाई, उसने कहा कि तुम कहां जा रही थी और किसके साथ जा रही थी और आज तुम घर टाइम से क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि वो बस में जाती थी और उसने अपनी बस मिस की। गालबन उसके वालिदैन ने की उसको कहा कजिन को कि जरा पता करो वो इस वजह से आया वहां यूनिवर्सिटी। अच्छा अब क्या होता है कि ये इसको लेकर जब चल पड़ता है उसकी हालत बड़ी खराब होती है। कहती है कि मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी, वो समझ गया था कि मामला कुछ है। उसे जब मुझसे पूछा तो फिर वो कहती है कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी और मैंने फिर उसको सारी बात बता दी। वो कहती है चूंकि वो उम्र में भी मुझसे बड़ा था, समझदार था, वो सारी बात समझ गया और उसके बाद उसने मुझे ये कहा कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुमसे जो गलती हो गई वो हो गया। वो कहती कि मेरा कजन जानता था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती लेकिन उसका, वो कहती है बहुत बड़ा पन था, आज वो उसकी बीवी है, उसके मतलब शादी उससे हो गई है और वो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। लेकिन वो कहती है कि अगर उस दिन मेरा कजन वहां ना पहुंचता, शायद मेरे माँ बाप की कोई दुआएं थी जिसने मुझे बचा लिया। वो कहती है कि उस दिन वो मुझे वहां से लेकर गया, मेरे घर आया और उसके बाद उसकी वालदा जो है अगली रोज हमारे घर आई और उन्होंने कहा कि हम बच्ची के साथ जो है निकाह करना चाहते हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द शादी हो। जब मेरे वालिदैन ने मुझसे भी बात की और जब मेरी रजामंदी देखी तो वो बल्कि खुश हुए कि इतने आसानी से हो गया ये मामला, क्योंकि मैं उनको ना कर चुकी हुई थी। तो मेरा उससे निकाह हो गया और उसके बाद वो कहती कि मैं अगले दिन यूनिवर्सिटी आई और मैंने उनको आकर ये कहा कि आप लोगों ने जो भी करना है आप कर लीजिए, मैं जो हूँ मेरे साथ जाहिर सी बात, वो कहती है मुझे सपोर्ट थी अपने कज़न की। और वो कहती है कि मेरा कज़न जो है वो भी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में आया और उसने भी आके जब डायरेक्ट बात की तो वो कहती है कि वो शायद ज़रा डर गए कि ये ना हो कि यहाँ पर ये कुछ बोलें और उसके बाद हमारा भांडा फूट जाए। वो कहती है उन्होंने मेरी कभी उस वीडियो को जो है इस्तेमाल फिर नहीं किया क्योंकि उनके नॉलेज में ये बात आ गई थी कि मेरा निकाह जिससे हो गया है वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि अगर कुछ हो गया है तो ठीक है हम मूव ऑन कर गए। तो ऐसे में क्या होता है कि जनाब उस लड़की की तो जान बच गई लेकिन वो ये कहती है कि इन्होंने शायद सिर्फ इसलिए मेरी उस वीडियो को ना कभी सोशल मीडिया पे डाला ना कभी वो चीज़ जो है वो सामने आई क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये चीज़ सामने आती तो शायद मैं भी ये सारी कहानी सामने लेकर आती कि इन लोगों ने मुझे यूं बुलाया और यूं मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और इनका ये भांडा फूट जाना था, इनका नेटवर्क बेनकाब हो जाना था। मैं तब तो खामोश रही लेकिन अब जब ये तमाम तर मामला मैंने सुना है तो कहती कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये सब कुछ ऐसे हो रहा था, यानी ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। अगर ये मेरा कजन ना होता तो आज मेरी भी वीडियोज होती, आज मैं भी मंजर आम पर आती, आज मैं भी गंदी होती, आज मैं भी घर में बैठी डर रही होती कि जैसा बाकी लड़कियों की वीडियो सामने आ सकती है मेरी भी आ सकती है। तो कहती मैं एक तरफ अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ, मैं लड़कियों को नसीहत करती हूँ कि खुदा के लिए अपनी इज्जतों का ख्याल रखें। मेरे जो शौहर है वो कहती मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी गलती को दरगुजर किया और मेरी इज्जत का इतना ख्याल रखा कि अगले ही रोज निकाह करवाने के लिए वो हमारे घर आ गए और किस तरह से वो मेरे शाना बशाना खड़े हुए, मैं इस चीज़ को कभी भी जिंदगी में भुला नहीं सकती। अल्लाह ताला सबकी बेटियों की इज्जत अपने जुबान में रखे और मैं आने वाले वक्त में कुछ और स्टोरीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जनरल स्टोरीज शेयर करूंगी, ऐसी नहीं कि बस रैंडमली कोई कहा
कहानी सुना दी किसी भी लड़की ने आकर, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी सुनानी है। अभी एक और लड़की की स्टोरी है जिसमें उसकी वीडियोस जो है इस वक्त मौजूद भी हैं, और एक खौफ भी है उसके अंदर मौजूद, बल्कि उसने हमसे मदद मांगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसने जो कहानी शेयर की है वो आपको बताऊंगी कि इस नेटवर्क के अंदर रहते हुए वो किन किन हाथों में खेली और किस किस तरह से इस्तेमाल हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।